दोस्तों अभी ये देखो, दो डॉग्स तो यहाँ पर आ चुके हैं और इनके लिए कुछ ना कुछ तो हमें इंतजाम करना ही होगा। बेचारे बारिश में भीग रहे हैं यहाँ पर, तो फटाफट से इनके लिए कुछ शेल्टर बनाते हैं। देखो कितने प्यारे डॉग हैं, बेचारे बारिश में भीग रहे हैं और फार्म पर इसी तरह से रहते हैं। आ जाओ आ जाओ, अभी भी देखो ये फार्म के पास में है। मैं इनके लिए कुछ बनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे फार्म के पास जो ये स्टोर है, इसमें थोड़ी लकड़ियाँ रखी हैं, उनसे इनका घर बनाते हैं। अभी चलिए आप आगे चल के दिखाता हूँ। ये बेचारे देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है ये डॉग, कुछ बनाते हैं अभी, रुक जा। तो दोस्तों अभी यहाँ से हमने ये लकड़ियाँ ले ली हैं और ये काफ़ी रहेंगी मेरे हिसाब से। तो ये बांस हल्के भी हैं और काफ़ी अच्छा उनके लिए हाउस बन जाएगा इनसे। तो बेचारे डॉग्स अच्छे से रहेंगे, थोड़ा सा उनके लिए इंतज़ाम करते हैं। दोस्तों ये देखो सभी लकड़ियाँ हम यहाँ पर ले आए हैं और इनके लिए अब हमें रस्सी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे बांध करके उसके ऊपर फीड के बैग से हम छत बना देंगे। तो अभी ये पूरा सेटअप तैयार करते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखो ये बांस है, कोई ज़्यादा वैसी लकड़ी नहीं है, हल्की लकड़ी है, और पूरा बांध करके इनको फिट करने लायक बना देंगे। ठीक है, इनके लिए होम बनाया है, हाउस बनाया है। इसके अंदर देखो किस तरह से यहाँ पर रहेंगे, और देखो बिल्कुल केवल एक रोटी इनको शाम को खिलानी होती है, एक सुबह को। बिल्कुल अच्छे से फार्म की देखभाल करेंगे। अभी यहाँ से देखो ये इधर उधर घूमेंगे भी, और जब बारिश आएगी तो इसके नीचे जा करके ही बैठ जाएंगे। और देखो एक ही बार इसको यहाँ पर रोटी खिलाई है और इसको पता चल गया है कि ये इसका हाउस है। और जैसे ही बारिश आएगी, मौसम तो देखो हो ही रहा है बारिश का, तभी ये यहाँ पर जा करके बैठ जाएंगे। तो आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने पोल्ट्री फार्म के पास में इस तरह का हाउस बनाएं डॉग्स के लिए, और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या आपके गांव में डॉग्स होंगे उनके लिए इस तरह का बनाएं। क्योंकि बाहर से विदेशी डॉग तो हम भी खरीद करके ला सकते थे, लेकिन उसकी देखभाल हमें करनी होती। ये जो है ये आपके फार्म की देखभाल करेंगे, बदले में आपको बस थोड़ा सा इनको प्यार देना है, इस तरह से रखना है, थोड़ी सी जगह देनी है, और एक रोटी में क्या बिगड़ रहा है, जो आप खाते हो थोड़ी इसको भी खिला दो बस। देखो कितने बिल्कुल आराम से, देखो कितने ज़्यादा वफादार हैं, आपको पहचानेंगे। और कोई भी अनजान आदमी अगर आपके फार्म पर आएगा तो उसको भौंकेंगे और आपको उसका पता चल जाएगा। और भाई ये काफ़ी सारे यहाँ पर रहते हैं तो इस वजह से हमें ये बनाना पड़ा। देखो अभी ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ पर ही छोड़ेंगे, इसके पीछे भी हम पर्दे लगाएंगे, जो फीड के बैग्स के रहते हैं ये पीछे भी लगाएंगे, क्योंकि भाई इनको हवा भी नहीं लगनी चाहिए ठंडी। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी कुछ इंतज़ाम इनका और अच्छा करते जाएंगे हम, और भाई करना भी चाहिए इस तरह से। तो आप भी ऐसे ही करिए, अपने फार्म की देखभाल के लिए इस तरह के डॉग्स के लिए होम बनाइए, छोटा सा हाउस बनाइए। बरसात में देखो वो भीग जाते और परेशान रहते, तो इस वजह से हमने ये बनाया है, आप भी ऐसा ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों देखो आज रेनबो भी हमारे फार्म के पास में, देखो पूरा रेनबो आज पहली बार मैंने इस तरह से देखा है, और डबल हो रहा है। देखो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। ये देखो रेनबो बारिश रुकने के बाद कितना सुंदर लग रहा है।